उत्तर भारत में फिर होगा शीत प्रकोप। 5 राज्यों में फिर चलेगी शीत लहर। दिल्ली में एक बार फिर 2 डिग्री जाएगा पारा। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के 5 राज्य एक बार फिर ठंड से ठिठुरने वाले हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज से ही मौसम का मिजाज बदलने लगेगा और अगले 24 घंटे में एक बार फिर शीतलहर चलनी शुरू हो जाएगी। जिन राज्यों में अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने का अनुमान है उनमें दिल्ली एनसीआर के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अलावा राजस्थान का नाम शामिल है। खास बात यह है कि दिल्ली में अगले 2 दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। वहीं राजस्थान के चूरू समेत कुछ इलाकों में मौसम का मिजाज और सर्द हो सकता है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। तापमान -2 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। जैसे ही पश्चिम विक्षोभ हटा है तो 14 जनवरी से ही हमने देखा कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई भागों सहित पंजाब और हरियाणा में तापमान गिरने लगे हैं और अब 15 तारीख से जो टेम्परेचर हैं वो दिल्ली एनसीआर में भी गिरेंगे। जो डे टेम्परेचर हैं तेज हवाओं के कारण पहले ही गिरना शुरू हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में शनिवार से ही सर्द हवाएं चलने लगी हैं। आमतौर पर जनवरी के तीसरे हफ्ते में शीतलहर सामान्य बात नहीं है, लेकिन इस बार साफ आसमान और तेज हवाओं की वजह से दिल्ली का तापमान गिरता जा रहा है। इस बार रात ही नहीं दिन का तापमान भी काफी कम हो सकता है। शेल्टर होम में रहने वाले लोगों की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। यहाँ पे सर सबसे बड़ी व्यवस्था है कि यहाँ पे टेंट लगा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये बहुत अच्छा किए हैं कि बाहर जो रह रहे लोग हैं ठंड में वो अंदर में आके कुछ राहत महसूस करें। प्लस में यहाँ पे बेड बिस्तरा भी दिया गया है, कंबले भी हैं। इसमें दिल्ली सरकार खाली बना दिया है कि हाँ व्यवस्था है, खाली बस ठंड से छुपने का। न खाना अच्छा मिलता है, न लेटरिंग बाथरूम सही है उसमें। राजस्थान के कई इलाकों में पहले से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्री गंगानगर में ठंड की वजह से फसलों की पत्तियों और रास्तों पर बर्फ जमी दिखी। बीकानेर के खाजूवाला और जैसलमेर के रामगढ़ में भी तापमान फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच गया है। फसलों के अलावा खुले में खड़ी गाड़ियों पर बर्फ जमी दिखी। इस वजह से यहां फसलों के नुकसान की आशंका भी है। यानी राजस्थान के कई इलाकों में सर्दी का सितम दोबारा देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत में गिरता पारा 19 जनवरी से अपना मिजाज बदलेगा, लेकिन ये राहत स्थायी नहीं होगी। जनवरी के आखिर में एक बार फिर से लोगों को सर्दी परेशान कर सकती है। हालांकि उस वक्त मैदानी इलाकों में कहीं भी तापमान माइनस में नहीं जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए खबर यही है कि उत्तर भारत के 5 राज्यों में सर्दी बढ़ने वाली है और 18 जनवरी तक हालात नहीं सुधरने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पहाड़ों की। 12 जिलों में अलर्ट के बीच कश्मीर में एक के बाद एक 2 एवलांच आए। हालांकि इस वजह से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई जगहों पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ से गिरते बर्फ के इस ढेर की तस्वीरें कश्मीर के सरबल से आई हैं। एवलांच एक निर्माण कंपनी के बैरक के पास बीती शाम करीब 5:30 बजे आया। देखते ही देखते बर्फ के गुबार ने एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एवलांच के बाद मजदूरों के लिए बनाए गए अस्थायी घरों को नुकसान पहुंचा। राहत और बचाव वाली टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और अपना काम शुरू कर दिया। राहत की बात यह है कि इस एवलांच के लिए मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ था। ये भी एक वजह है कि किसी को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा। एवलांच की वजह से पिछले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को सोनमर्ग में इसी निर्माण कंपनी के पास एवलांच में 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी के बाद ही जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा समेत 12 जिलों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू के डोडा की इन तस्वीरों को देखकर आप बर्फबारी का अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार बर्फबारी के बाद यहां पर लोगों का चलना दूभर हो रहा है।
प्रशासन की ओर से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। अनंतनाग के कई इलाके में 13 जनवरी को भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद इसे हटाने के लिए प्रशासन को अभियान चलाना पड़ गया। बर्फबारी हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर हालात अलग हैं। बर्फबारी खुशियाँ लेकर आई है, पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का कारोबार बढ़ गया है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।